सीरियल किलर के साथ पावर नहीं, माइंड गेम खेलना चाहिए। रक्षाबंधन के बाद अक्षय कुमार की ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज को तैयार, निर्माताओं ने इसलिए बदला नाम। कभी हिंदी सिनेमा के नंबर वन ब्रांड रहे अभिनेता अक्षय कुमार की एक और फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय की पिछली फिल्में बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन का जो हश्र हुआ है, उसके बाद से उनकी फिल्मों के लिए निर्माता हिले हुए हैं। सीधे ओटीटी पर रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की लक्ष्मी और अतरंगी रे के बाद ये तीसरी फिल्म होगी। फिल्म के मोशन पोस्टर के साथ ही इसके नाम का खुलासा फिल्म निर्माताओं ने गुरुवार को किया। इस फिल्म का नाम है कठपुतली। हालांकि ये फिल्म बनी किसी और नाम से थी। अमर उजाला ने ही सबसे पहले खबर दी थी कि कोरोना संक्रमण काल में जब पूरा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, तो अक्षय कुमार अपने खास मखास निर्माता वासु भगनानी के साथ फिल्म बेल बॉटम की पूरी यूनिट को चार्ज प्लेन से लेकर ग्लास्गो फिल्म सिटी पहुंच गए थे। ब्रिटेन में मिलने वाली फिल्म सब्सिडी का आकर्षण भी फिल्म निर्माता वासु भगनानी को ग्लास्गो से ले गया। वासु भगनानी ने वहां पूजा स्टूडियोज नाम से अपना एक स्टूडियो भी बना लिया, जहां इन दिनों उनकी अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म छोटे मियां बड़े मियां की शूटिंग की तैयारी चल रही है। वासु भगनानी ने सीधे ओटीटी को फिल्म में बेचने की शुरुआत वरुण धवन स्टार ऑफ फिल्म कुली नंबर वन से की और अब उनकी एक और फिल्म सीधे ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। गौरतलब है कि फिल्म बेल बॉटम की रिलीज की तैयारियों के बीच ही वासु भगनानी ने अक्षय कुमार की एक और फिल्म अनाउंस की थी, जिसका नाम था मिशन सिंड्रेला। बताया गया कि इसके लिए अक्षय कुमार को 100 करोड़ रुपए की फीस मिली। फिल्म में अक्षय के साथ दूसरा कोई दमदार कलाकार नहीं है और हीरोइन के नाम पर फिल्म में है वासु भगनानी के बेटे जैकी की प्रेमिका के रूप में मशहूर रकुल प्रीत सिंह। बॉक्स ऑफिस पर बेल बॉटम खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसी फिल्म के निर्देशक रंजीत तिवारी ही मिशन सिंड्रेला के भी निर्देशक है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए वितरक नहीं मिले तो इसे सीधे ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी शुरू हुई। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इसके ओटीटी अधिकार खरीदने के लिए फिल्म देखने के बाद हॉटस्टार प्रबंधन के होश उड़ गए। चर्चा शुरू हुई कि इस फिल्म को सीरीज के रूप में रिलीज किया जाए तो अक्षय कुमार ने किसी तरह ये सुनिश्चित किया कि फिल्म को फिल्म ही रहने दिए जाए और इसे सीरीज न बनाया जाए। इस बीच अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस वैल्यू आसमान से धरती पर आ चुकी है। उनकी इस साल रिलीज हुई 3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से बनी मिशन सिंड्रेला का नाम इस बीच बदलकर कठपुतली कर दिया गया है। चर्चाएं ये भी है कि ओटीटी पर बेचने से इसकी लागत निर्माताओं ने वसूल कर ली है। वासु भगनानी और अक्षय कुमार अब इसके बाद सुपरहिट फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बनाने जा रहे हैं। इसमें टाइगर श्रॉफ का भी अहम किरदार है और इस फिल्म के निर्देशक है अली अब्बास जफर।